सवाल ये उठता है कि क्या हिमालय पर्वत कैसे बना, क्या ये हमेशा से यहीं पर था, क्या हिमालय पर्वत श्रृंखला पृथ्वी के जन्म के समय से यहाँ पर उपस्थित है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का जन्म कैसे हुआ। तो इसका जवाब है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला हमेशा से यहाँ पर नहीं थी। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे कम उम्र की पर्वत श्रृंखला है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि ये पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इन पर्वत श्रृंखलाओं को देखकर प्रकृति के अद्भुत चमत्कार को नमस्कार करने का मन करता है। साथ ही साथ यहाँ पर रहने वाले लोग इन पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों को भगवान का स्थान मानते हैं। इस कारण से यहाँ पर अधिकतर चोटियों का नाम विभिन्न पौराणिक देवताओं के नाम पर रखा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है, तो वहीं इसकी चौड़ाई एक छोर से 120 किलोमीटर तथा दूसरे छोर पर 400 किलोमीटर तक है। संसार की अधिकतर सबसे ऊंची चोटियां हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही पाई जाती है। यहां की सबसे प्रमुख पर्वत चोटियों के नाम इस तरह हैं: माउंट एवरेस्ट, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, इसे यहां पर कंचनजंगा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहां पर सागर माथा हिमाल, अन्नपूर्णा, शिव शंकर, गणे, लांगतंग, मानसूल, रोलवालिंग, जुगल, गौरी शंकर, कुंभू, धोलागिरी और कंचनजंगा। इसके अलावा हिमालय पर्वत श्रृंखला में 15,000 से भी ज्यादा ग्लेशियर है, जिसके कारण यहाँ पर पीने का शुद्ध पानी का एक भंडार है। इसी शुद्ध पानी की वजह से यहाँ से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगते जैसी वर्ष भर बहने वाली नदियाँ निकलती है। इसी पर्वत श्रृंखला में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी पाया जाता है, जिसे सियाचिन कहा जाता है। ये ग्लेशियर लगभग 72 किलोमीटर लंबा है